वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर के ऊपर मेरे पास कमेंट आया था किसी का, उन्होंने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाओ। आपके सामने जो इसकी डे की आज की क्लोजिंग है वो करीब 6.3% लो पे है। अब जैसा कि आपको पता मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ निफ्टी के शेयर भाग रहे हैं, बाकी जितनी हमारे मिड कैप स्मॉल कैप सब हर शेयरों में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। तो अभी के लिए अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक बार लेवल देख लेते हैं, उससे पहले एक बार फंडामेंटल भी देख लेते हैं इसके। सबसे पहले मैं टिकर टाइप पे आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम आते हैं फोरकास्ट के ऊपर। आपके सामने किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है इस शेयर के ऊपर। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। अब जैसे ही फाइनेंस के ऊपर आया हूँ मैं, लास्ट फोर ईयर 2018, 19, 20 और 21 आप देखोगे 2018 में इसका टोटल रिवेन्यू 126 करोड़ था, जो बढ़ के 2019 में 256 हो गया और 2020 में 300 और 2021 में 305। तो आप देखोगे एक अच्छी इसका रिवेन्यू बढ़ रहा है। आप देखोगे 2018 कंपेयर करोगे तो एक अच्छा खासा इसमें एक बूम आया था, पर अभी की डेट में जो हमारे लास्ट के टू ईयर हमारा फाइनेंस ईयर है उसमें कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया और रिवेन्यू भी एक मैं कहता हूँ कि बहुत कम बढ़ा है। अब देखते हैं नेट इनकम। अब नेट इनकम आप देखोगे 2018 में करीब 1.3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 2019 में 11 करोड़, 2020 में 18 करोड़ और 2021 में करीब 5.3 करोड़। हम कह सकते हैं कि 2021 का जो इसका रिवेन्यू है में जो रिवेन्यू और जो इसकी नेट इनकम है इसमें कोरोना इफेक्ट हो सकता है। अब एक बार देखते हैं होल्डिंग। अब सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग। आपके सामने प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है और आप देखोगे मार्च से कंपेयर करोगे थोड़ी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टेबल है। डीआई इसमें से अपना पैसा निकाल चुका है, फिर भी बहुत कम होल्डिंग है। ऑल अबाउट देखोगे इसकी होल्डिंग पहले ही काफ़ी कम थी। एफआई ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब उसके बाद जो बाकी होल्डिंग है सारी रिटेल पे पड़ी है और रिटेल की भी होल्डिंग इसमें थोड़ी कम हुई है। अब जो होल्डिंग कम हुई है ये होल्डिंग गई है एफआई पे और कुछ होल्डिंग गई थी प्रमोटर पे। अब देखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग देखो कंपनी नॉर्मल कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर देखोगे तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता कोई ठीक है, फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कंपनी स्टेबल है, आप ट्रेड कर सकते हो। पर जो अभी मार्केट का जो अभी चल रहा है तो उसमें आप किसी भी मैं कहता हूँ कि कुछ दिन वेट करो, किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट मत करो। पर अगर किसी ने ले रखा है तो उसके लिए हम एक बार लेवल देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने है ये इस शेयर में अभी के टाइम में देखो रिसेंटली 24 अगस्त को अच्छा खासा बूम आया था और ये शेयर का जो प्राइस था वो करीब 198 रुपये तक गया था, पर अब इसमें गिरावट आई है और जिस तरह एक अच्छा खासा बूम आया था तो गिरावट भी उसी तरह लग रही है कि और ज़्यादा गिरावट इसमें लग रही है। पर फिर भी अभी के लिए अगर किसी ने शेयर बाय कर रखा है तो वो 180 के एसएल के साथ इसे ट्रेड करे और नए बायर अभी के लिए मेरी अकॉर्डिंग तो आप उसे बाय मत करो। फिर भी कोई बाय करना चाहता है तो थोड़ा वेट करो, 160-165 रुपये के आसपास जब ये शेयर आएगा तब आप इसमें न्यू बाइंग कर सकते हो। पर अभी के लिए जो हमारे मैं यही कहूँगा कि किसी ने शेयर बाय कर रखा है तो 180 के एसएल के साथ इसे ट्रेड करे और न्यू बायर तभी आए इसमें जब इसका प्राइस 160-165 के आसपास जब इसका प्राइस हो तब वो इस शेयर को बाय कर सकते हो। पर अभी के लिए इसे अवॉइड करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के साथ। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।